हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर कि आप सब बढ़िया होंगे। और मैं, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी होम टाउन पे हूँ और 4 से 5 टिकट करवा के कैंसिल करा चुका हूँ। मतलब 21-22 तारीख तक की जो टिकट्स थी वो सब कैंसिल करा के रखा हुआ हूँ। पुणे जाना था बट जा नहीं पा रहा हूँ। और अभी रिसेंटली, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि मोदी जी ने अनाउंस किया है कि लॉकडाउन होने वाला है, 21 डेज का लॉकडाउन है। तो बच्चों, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सबको आ रही होगी कि यार अब आगे क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बच्चों, मैं भी आप लोगों के फ़ोन के रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ कि मैं मतलब ऐसी परिस्थिति में होता नहीं हूँ कि क्योंकि इर्द गिर्द मम्मी पापा भाई, और क्योंकि पापा मम्मी भी छोड़ नहीं रहे हैं। रीज़न ये है कि उनको लगा है कि हमारा बेटा इतने टाइम के बाद आया। बट स्टिल, और मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपसे उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ अभी जितना मैं पुणे में नॉर्मली रहता था। तो बच्चों, कल से मैंने कोशिश की है कि 2 घंटे स्पेशली मैं अपने आप को 11 बजे से लेके 1 बजे तक का ये जो 2 घंटा है मैं आपके लिए ही डिवोट करूँगा। तो कल से 11 से 1 बच्चों आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोग अपने सारे डाउट्स, लॉ के सब्जेक्ट्स के जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मेरे पार्टनर जो हैं सोपान सर, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं। मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के डाउट्स के लिए। तो बच्चों, CS फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव और फाइनल के लॉ के सब्जेक्ट के सारे डाउट्स आप मुझसे 11 से 1 ये 2 घंटे के बीच में आप पूछ सकते हैं। बच्चों, मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, मेरे ख्याल से मेरी बेटी रो रही है तो मैं एक बार देख के आया। हेलो बच्चों, तो कुछ नहीं बच्चों, थोड़ा सा वो नीचे मतलब वो ऐसे स्लिप हो गई तो शी वॉज क्राइंग। एनी बच्चों, मैं ये कह रहा था, तो 11 से 1 का 2 घंटे का टाइम हमने रखा है। अब बच्चों, एक और चीज़ याद रखिए कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। प्लीज़ मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आप समझिए कि ये जो टाइम है ये पिकनिक का टाइम नहीं है। क्योंकि अभी ICSI ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जून के एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाले हैं। तो पढ़ाई तो अपने को बराबर से करनी है। दिसंबर के एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होने वाले ही नहीं है, क्योंकि दिसंबर तो अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो बच्चों आप जिस भी क्लासेस में हैं, जो भी क्लासेस में आप लोग हैं, तो प्लीज़ आप अपनी क्लासेस वालों से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो भी आपके लाइव लेक्चर्स हैं आप उनको आप कन्वर्ट करवाइए ऑनलाइन में। क्योंकि 21 तारीख के बाद भी, मतलब 14 अप्रैल के बाद भी अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो भी मेरे हिसाब से बच्चों, जो टीचर्स हैं उनको काफ़ी डर लगेगा क्लासेस लेने में। क्योंकि बच्चों, ये आपको पता है कोरोना वो मल्टीप्लाई होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उसके बाद CSET, जिनको हमको 27 तारीख से हम लोग लेक्चर देने की शुरुआत कर रहे थे, वहाँ पे भी अभी प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने इंस्टीट्यूट के कुछ काउंसिल मेंबर से भी मैसेज किया हुआ है कि क्या CSET का टाइम एक्सटेंड होने वाला है, तो इसके बारे में भी और क्लैरिफिकेशन आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी नोट्स वगैरह भी डिस्पैच नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। सो वी विल बी वर्किंग कि हम लोग कैसे आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में दें, स्पेशली CSET के बच्चों को, ताकि वो लोग अपने घर से पढ़ाई करना शुरू करें। बच्चों कुछ मैं आपको, चलिए ठीक है बच्चों, ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ऐसी है बच्चों कि कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा पढ़ाई के लिए, किस रूटीन में पढ़ाई करना चाहिए अगले 21 डेज के लिए। तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा बच्चों, एंड दैट वीडियो विल कम वेरी सून। थैंक यू सो मच।